ओम साई जय जय साई सतगुरु साई 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 ओम साई जय जय साई सतगुरु साई 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 चरणों में अपने रहने दे मुझको चरणों में अपने रहने दे मुझको यही तमन्ना मेरी है। ओम साई राम। नमस्कार, साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। मैं हूँ साई पूजा। एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ इंटरव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले तो ठीक नया वर्ष शुरू हो गया है और नए नए आपको अनुभव मिलेंगे साई पूजा चैनल पे। तो सबसे पहले हमारे साथ एक कपल जुड़ रहा है, तो आप अपने नाम दोनों बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा मधुमिता सोनी, ये मेरे पति। मैं रूपेश सोनी, एमपी सागर से। मेरा पेशा अधिवक्ता एडवोकेट हूँ मैं। साई राम जी और साई भक्त पहले हूँ। ओम साई राम जी। तो मैं जानना चाहूँगी आप लोग कहाँ से हो? हम लोग मध्य प्रदेश सागर सागर से हैं। वही सागर जो एक समय क्राइमलेस इंडिया का इकलौता शहर था। ओहो, अच्छा, ये तारीफ हो रही है। बिल्कुल भी क्राइम नहीं था, सबसे कम रेशियो का सागर का। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप जो कपल्स हैं, कहते ना कि किसी का लेवल भक्ति का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई बाबा को मानता है तो कोई नहीं मानता है। तो बाबा से कब से जुड़े हो और ये एक साथ जो भक्ति आज जो शेडे में आप आए हो, जो आज बाबा ने आपको बुलाया है, वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ? ये सिलसिला दीदी ऐसा है कि जो हम लोग की शादी होने वाली थी, तो शादी एक बहुत बड़ा जुआ होता है उन लड़कियों के लिए। कितने वर्ष पहले की बात है? ये हमारी 2012 में शादी हुई थी, तो मैं शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे एक ईमानदार व्यक्ति से शादी करनी है। जो भी मेरी लाइफ में आए, ईमानदार लड़के से मेरी शादी हो, और जो भगवान का भक्त हो, जो ड्रिंक ना करता हो, हाँ, जो ड्रिंक भी ना करते हो, फ्लर्टी भी ना हो, मुझे ऐसे हस्बैंड के लिए मेरा था। तो ये अलग आए थे शिरडी में, मैं अलग आई थी। जिस दिन मैं इनके शहर देखने के लिए आई थी, यहाँ मेरे सागर में मेरे भाई रहा करते थे, तो बाबा मतलब एक परछाई बन के मेरे साथ चले। बस में पता नहीं एक बाबा का पोस्टर लगा था, तो मैं सोचती चली आ रही थी कि मैं कहाँ जा रही, मेरे साथ क्या होगा करके। बट बाबा की एक शैडो मुझे देख रही थी जो हर टाइम मेरे साथ थी। उस टाइम से बाबा ने मेरी लाइफ में बहुत साथ दिया और फिर जाके मुझे इनसे मिलाया, जो कि राम भक्त और हनुमान भक्त हैं। अच्छा, ये सिलसिला 2012 में शुरू हुआ, 12 में शादी हुई है जी। तो मैं जानना चाहूँगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब शिरडी आप लोग एक दूसरे को देखने आ रहे थे या यहीं पर आकर मुलाकात हुई थी? ये बाबा की प्री प्लानिंग है, ये कोई हम लोग की प्लानिंग नहीं, ये अपनी फैमिली के साथ अलग आए थे। मैं दर्शन करने आप आए थे और ये दर्शन करने, यहीं पे बाबा ने भेंट कराई? वेट नहीं कराई अभी। क्या है, 2006-2008 में शिरडी हम भी आते रहे और बाबा के हम लोग भी दीवाने थे, लेकिन जो कहते ना कि रेशियो बढ़ना, तो वो जो है शादी के बाद बढ़ा है, क्योंकि इन्होंने भी साईं बाबा से बोला था कि हमें जीवन साथी ऐसा देना जो निष्पक्ष हो, ईश्वर भक्ति में लीन हो। और हमारा भी यही कहना था कि हमें भी जीवन साथी ऐसा ही मिले कि जो मैं हमारे जीवन को आगे हमारे ही जैसा चलाता रहे। तो दोनों की प्रार्थना थी साईं बाबा से, इनको भी साईं बाबा ने शिरडी भेजा, हमको भी साईं बाबा ने शिरडी भेजा। शिरडी से हम दोनों आपस में मिले नहीं थे, लेकिन शिरडी में दोनों की प्रार्थना कबूल हुई थी। आहा, कृपा ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी भाई साहब, शिरडी जो है इनको भी बाबा ने बुलाया था, हमको भी बाबा ने बुलाया था। हमें नहीं मालूम था कि हमारे एक भविष्य में जीवन साथी बन जाएंगे। हुआ क्या कि धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि हम दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद, क्योंकि हमारे पिताजी 2008 में शांत हुए थे और माता राम थी, शादी के बाद हम लोग साथ में रहे, जॉइंट फैमिली रहे, हम लोग भाई लोग सब लोग साथ में रहे। हम लोग शिरडी भी आए थे शादी के बाद। शादी के बाद भी शिरडी आए, घूमते रहे। एक समय के बाद सबको जाना पड़ता है, तो हमारे पिताजी क्योंकि पहले ही जा चुके थे, माँ हमारी 2017 में शांत हुई। जब परिवार का मुखिया
माता पिता चले जाते हैं तो परिवार होता है एक माला की तरह और माता पिता उसका धागा होती है, और जब धागा टूटता है तो मोती बिखर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि परिवार में वैसे तो एक भेदभाव नहीं था, या केवल ये हो गया था कि उस माता राम के जाने के बाद सभी लोग सेपरेट हो गए थे, क्योंकि ये भी अपने परिवार में सबसे छोटी रही मायके से और मैं भी अपने परिवार में सबसे छोटा रहा, अनुभव बिल्कुल नहीं था, तो डर बैठा कि हम अपनी गृहस्थी कैसे चलाएंगे, और ईश्वर के भरोसे चलते रहे चलते रहे, लास्ट में टूटते चले गए हम लोग। ऐसी स्थिति में जब हम लोग टूटते ही जा रहे थे, बाबा एक सहारा बन के हमारे बीच में आए, और वो सहारा ऐसा बना कि जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती रही वैसे वैसे उनकी कृपा बढ़ती गई, चमत्कार होते गए, उनके चमत्कार होना स्टार्ट हो गया। हमारे घर हमारे बालक के रूप में बाबा आए। जब उनका भक्ति हमारे बढ़ती रही और उन्होंने जब हमारे लिए पॉजिटिव आने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा रहे साथ, तो उसी समय हमारी पत्नी जो है इनके गर्भ में बच्चा आया, क्योंकि सिंगल फैमिली बहुत कुछ करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता होगा, आप समझ रहे होंगे, जो चीज़ें बोलना नहीं चाहिए वो भी चीज़ें होती है, ये चीज़ें तो किया, परिवार के लोगों ने भी साथ दिया। इस बीच में हमारा एक बच्चा हुआ, क्योंकि उस समय हम लोग साईं की भक्ति में लीन थे, उस बच्चे का नाम भी हम लोगों ने साईं रखा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड साईं। ये आ जाए साईं, साईं इधर आओ, क्या बात है। और साईं भी हम तो एक जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब आप हारने लगते हो, जब आपके पास खाने को जब खाना तभी आता है जब पैसा होता है, जो एक टर्निंग पॉइंट्स आता है वो टर्निंग पॉइंट्स में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। एक लाइन है ना कि जब अपने साथ छोड़ते तो गैर ठुकरा देते, अपने भी साथ छोड़ देते, हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए, है ना। तो वो जो टर्निंग पॉइंट्स आया लाइफ में कि आप कमाने को नहीं है, अब गरीबी इतनी आ जाती है, फिर आपका माइंड नहीं चलता है, वो टाइम क्या था, वो टाइम को मैं जानना चाहूँगी। उस टाइम में बाबा ने कैसे साथ दिया? दीदी हम लोग के साथ इससे थोड़ा सा अपोजिट हुआ है। अच्छा। वेल्थली तो वैसे परिवार में कोई इशू नहीं थे, बट ये कि ये मम्मी के बहुत ज़्यादा, पूरे घर के बहुत ज़्यादा लाडले थे ना, हाँ, बहुत ज़्यादा लाडले थे, जिसके कारण ये वो एक माँ का जाना एक सदमा टाइप का लग गया था इनको, क्योंकि ये रात में जब मम्मी थी तो सब भाई साथ बैठते थे, सब एक बहनें आती थी, और मम्मी के जाने के बाद माहौल चेंज हो गया था, मतलब एक सेपरेट फैमिली हो गई थी, सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चा, हस्बैंड वाइफ बच्चा, ये चीज़ इन पे नहीं हो पाई, इनको माँ चाहिए थी, क्योंकि सुख दुख हर चीज़ बहुत बड़ा लगा था। मैं भी सास पे ही डिपेंड थी, मम्मी पे ही, क्योंकि हमारी जो माँ थी ना वो शख्स नहीं शख्सियत थी, हमारी सासो माँ जो थी वो हम दोनों शख्स नहीं शख्सियत थी, क्या बात। हम दोनों जब हम दोनों के बीच कुछ अनबन होना तो पहली डांट तो इनको ही पड़ना है, बहुत कम मिलती है, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। और ये सिर्फ उनकी कहानी मेरे साथ नहीं थी, उनकी तीनों चारों बहुओं के साथ यही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन मतलब मेरी जो सासू माँ जो मेरी हैं, तीनों बहुओं के साथ यही है कि अगर कुछ हुआ हम लोग क्या बेटे लेट से खा रहे खाएं, कोई उनको फर्क नहीं, बहुएं पहले दाल चावल खाएंगी, क्या बात है, ऐसा भी परिवार भाग्य से मिलता है। हाँ, तो वो और उनका कंप्यूटर माइंड इतना तेज कि अगर वास्तव में अगर रखना चाहिए ना तो मैं तो मेरी सास मेरे लिए भगवान जैसी, मम्मी क्या बात है, क्या भाव, बहुत प्यारा। तो उनका जाना, आपने कभी भगवान को देखा? हाँ, नहीं देखा, उनकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं, तो उनका जाना हम लोगों अपने बाबा आपको देख लेना, क्या बात है, जहाँ माँ बाप की पूजा होती है ना वो घर हमेशा संपन्न होता है, याद रखो, तो गरीबी कितनी आती है पर वो आशीर्वाद बन के खड़े रहते हैं। बिल्कुल, इतना दिया, इतना दिया, 10 बच्चों को मेरी माँ सास ससुर ने इतना दिया कि कोई एक बच्चे को नहीं दे सकता है, इतना 10 संतानों को हमारी सास ने दिया है, वेल्थली आप कहें तो सास ने ससुर ने, क्या बात है, बहुत दिया। तो मैं फिर से मुद्दे पे आती हूँ और कि जब आपका टर्निंग पॉइंट्स आया गिराव का, तो बाबा ने कैसे साथ दिया? जो सच्चे हृदय का इंसान रहता ना वो कभी किसी को अपना कमजोर बाकर नहीं बताता, क्या बात है, बताते हुए भावुक हो रहे। मेरा बच्चा 3 महीने का था, हम लोग शिरडी आए थे, शिरडी आए, बढ़िया था, साईं बाबा ने सब कुछ दिया था, सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो
जो है यहाँ बाबा के दर्शन किए, सब कुछ किया, वापस गए और करीब एक हफ्ते बाद कोरोना काल फर्स्ट फेज चालू हो गया था, क्योंकि ये पेशे से ब्यूटिशियन है और हम जो है एडवोकेट हैं, तो कुछ समस्याएं आई क्योंकि घर परिवार से हम लोग शुरू से संपन्न रहे। लेकिन होता क्या है कि आप जिस लिविंग उससे जिस स्थिति से आप चलते रहे हैं शुरू से, तो वो उसमें थोड़ा सा भी अंतर आया तो अपने आप में घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सिंगल फैमिली हो, किसी अब माँ बाप तो है नहीं, माँ एक ऐसी थी कि वो सिर पर अकेली हाथ फेर देना तो सारे दर्द खत्म, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या माँ तो थी नहीं, ठीक है वो कोई नहीं ला सकता। तो क्या हुआ उसके बाद थोड़ी सी समस्या आना स्टार्ट हुई, डिप्रेशन पे गए हम, फिर साईं बाबा के प्रति और ज़्यादा झुका हुआ, जब कोई नहीं आता तो जब कोई नहीं आता, माँ नहीं है पापा नहीं है, तो फिर ईश्वरीय शक्ति पे ही विश्वास करना होगा आपको, और वो विश्वास ऐसा हुआ फिर होने दो चमत्कार पे चमत्कार। सबसे पहले साईं बाबा ने हमें शिरडी बुलाया, दोबारा बुलाने के बाद सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया। सागर में MP का सबसे बड़ा साईं मंदिर बन रहा है जिसमें हम सदस्य हैं, वहाँ पे मनीष ब्रजपुरिया जी हैं जिनको हम अपने आप दोनों पति पत्नी हैं, वहाँ पे उनको बूटी शाप कहते हैं, उन पर विशेष कृपा है ईश्वर की, या साईं बाबा का मेरा उनको नमन, मेरा नमस्कार कहिएगा। अरे वो तो हम लोगों को बहुत बड़ा साईं बाबा का आशीर्वाद है जो ऐसे लोग हैं कि भाई साहब का नाम, क्योंकि उनको बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है अंदर से कि उनका नाम लेके बताया जाए कि बाबा ने ये सेवा का अवसर उन्हें दिया है, क्योंकि ये भी सत्य है, नाम जो ले रहे हैं वो बाबा की इजाजत से ले रहे हैं, ये भी सत्य है कि आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो है ही, उसको तो हम लोग नहीं जुटला सकते हैं। तो भाई साहब मिले, उनकी हमें माँ मिली, माँ जैसी माँ, देखने में भी स्वरूप में भी वही, हमें माँ हमारी वापस मिली, उसके साथ संस्थान से हम जुड़े, संस्थान से कृपा होना स्टार्ट हुई हमारी, साईं बाबा की कृपा थी ही, सब कुछ अच्छा स्टार्ट होने लगा। फिर एक समय ऐसा भी आया कि साईं चरण पादुका के रूप में स्वयं साईं बाबा हमारे घर पे आए, जिसका बाबा हमने स्वागत किया, अच्छा। हमारी मिसिस पे विशेष कृपा है साईं बाबा की, इनसे साईं बाबा बातें करते हैं मैसेज के रूप में, अभी भी ये कुछ पूछे तो मैसेज के रूप में आ जाता है इनके पास, क्या बात है। आप कुछ भी पूछ लीजिए, जब ये प्रेग्नेंट थी उस समय इनके ऊपर खोलता हुआ दूध गिर गया था, ढाई लीटर दूध, और ये उस समय श्याम बाबा का नाम जप रही थी। ओ माय गॉड, आप ये सोचिए जिस पे एक गिलास दूध गिर जाए उसके क्या हाल होती है, ढाई लीटर दूध, माय गॉड। और मार्च का महीना था, 9 मार्च का दिन था, मैं कभी 9 तारीख बाबा का, हाँ 9 मार्च, 9 अंक हम सबका फेवरेट अंक है बाबा का, बाबा के तो नविदा भक्ति का, नविदा भक्ति का बिल्कुल प्रतीक। वो जब इनके ऊपर दूध गिरा खोलता हुआ, आप विश्वास मानिए इनको लालिमा तक नहीं आई उस हिस्से में जहाँ गिरा था, क्या बात है, दूध पूरा खोल चुका था। लेकिन इनको साईं बाबा से शिकायत थी कि बाबा जब हम आपकी भक्ति में लीन थे तो ऐसा हादसा हमारे साथ क्यों हुआ, तो ये जब सब कुछ साफ करके दूध वगैरह सब साफ करके आके बिस्तरों पे लेटी और बाबा से ये कंप्लेंट कर ही रही थी कि इनके पास तत्काल मैसेज आया कि मैं अपने भक्तों का सारा दुख अपने ऊपर ले लेता हूँ, और वहाँ पे फोटो थी जिसमें साईं बाबा ऐसी पीठ उगा रहे हुए हैं और उनको छाले छाले, ओह माय गॉड, और मेरा रोना स्टार्ट हो गया। फिर आप देखेंगे कि फिर तत्काल बाबा का एक मैसेज आया, आप मेरी 2019 की फेसबुक ID खोलिएगा, हर एक पन्ना बाबा की रहमतों से भरा पड़ा है, उसमें 9 मार्च को आप देखेंगे यही पोस्ट आपको मिलेगी, और उसमें लिखा है सीधा सीधा, घटनाओं को घटने दो और हमारी भलाई तो ईश्वर चिंतन करने में है, ऐसे बाबा का मैसेज। मेरे गूप बम्स हो रहे हैं और मेरे पूरे रोए खड़े हो रहे हैं और पीठ में भी पूरा हो रहा है क्योंकि जब आपको अनुभव होने लगता है बाबा का, और एक सच्चे साईं भक्त जब सुनता है तो उसको जब वो साक्षात्कार करता है वो चीज़ों को मैं ले रही हूँ, आपके साथ बीता है और मैं उसको सोच रही हूँ, तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, और मैं भक्ति को आपकी नमन करती हूँ, और मैं जानना चाहूँगी कि ये जो बाबा ने आपको इतना सब कुछ दिया, वो ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी जो पहले 2012-2017 मम्मी के जाने के बाद जो ज़िंदगी का पहलू शुरू हुआ और आज की ज़िंदगी में क्या अंतर, बहुत खुश लोग, हाँ बहुत अच्छा, और
क्योंकि साईं बाबा का बहुत कुछ है हमारे साथ लीला है, उसका दूसरा वीडियो जल्दी आने वाला है। बहुत सही और बहुत प्यारे अनुभव हैं और मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब तक की कहानी आपने सुनी, उसके बाद भी कहानी शुरू होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम साईं राम, जय साईं राम। क्या बात।